में दुष्कर्म पीड़िता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। दुष्कर्म पीड़िता ने अपने पति व ससुराली जनों पर कार्रवाई की मांग भी की है। गाजियाबाद के लौनी थाना क्षेत्र की अशोक विहार कॉलोनी में महिला ने अपने पति और ससुराली जनों पर गैंगरेप करने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है, उसका पति जबरन धंधा कराने के लिए जबरदस्ती करता है और लगभग 2 वर्ष से ऐसा करता आ रहा है। पति के अत्याचार से पीड़ित महिला ने थाना प्रभारी लोनी से मदद की गुहार लगाई है। इस प्रकरण में पति पर सख्त से सख्त कार्यवाही करने की पीड़ित महिला ने मांग की है। सुधाकर चौहान, गाजियाबाद समाचार 24। का नाम दारू सलाम है, जो कि मेरे से धंधा करवाने की कोशिश करता था। जब मैं मना कर देती थी तो अपने भाइयों को साथ मेरे साथ गलत काम करवाता था। अब मैं अपने माँ बाप के साथ यहाँ थाने आई हूँ, मेरे को इंसाफ चाहिए। मैं ये चाहती कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा होए और उन्हें जेल होए, मुझे इंसाफ चाहिए। ये 2 साल से चला रहा था, लेकिन अब ज्यादा 4 महीने से बहुत ज्यादा मैं परेशान हो गई। पुलिस से क्या आश्वासन मिला? पुलिस ने कही है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। इससे पहले आपने कभी शिकायत की? जी नहीं, मैंने इससे पहले कोई शिकायत नहीं की। अपने माँ बाप वगैरह से बताया? मैंने अपने माँ बाप से चुपचाप रह जाती थी, मतलब बताती थी तो वो धमकी देता था मेरे को मारने की। आप मैं ये चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, वो उसे कड़ी से कड़ी सजा होए। लड़की की शादी दारू सलाम के साथ की थी। दारू सलाम मेरी लड़की को जबरदस्ती धंधा करवाता है, अपने भाइयों के साथ मिलकर मारपीट करता है। जब इसका मुझे पता चला तो मैं लोनी थाने में आया। थाने में आकर पुलिस वालों ने हमें आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ न्याय करेंगे। कितने लोगों के खिलाफ शिकायत की आपने? हमने 4-5 लोगों के नाम जो है FIR के वो दी है शिकायत। पुलिस से क्या चाहते हैं? पुलिस से हम इंसाफ चाहते हैं और जो मेरी लड़की के साथ हुआ है उनके लिए सजा चाहते हैं। उन्होंने ऐसा क्यों करवाया? मेरी इज्जत खराब करी, मेरी लड़की की इज्जत खराब करी।